बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। अगर आज के सुबह की मैं बात करूं तो बेशतर एरिया में देखा जा रहा है कि हल्की फुल्की रिमझिम का जो सिलसिला है वो जारी है, यानी कि सर्दी की शिद्दत तो पहले बहुत ज़्यादा शदीद ठंड थी, लेकिन इस बारिश की वजह से जो मौसम है वो जनाब और ज़्यादा खुशगवार हो चुका है। जो मम्मी डैडी माएँ हैं सुबह उठ नहीं पाती हैं, बच्चों को या तो स्कूल जाते हुए उनको पैसे पकड़ा देती हैं, या उनके मैंने टिफ़िन बॉक्स में एक प्रोग्राम किया था स्पेशली बच्चों के साथ, उनसे मैंने पूछा कि आप सुबह नाश्ता करते हैं, मोस्टली कहा नहीं हम नहीं करते, हमारा दिल नहीं करता। अच्छा, अगर जो करते हैं वो क्या साथ लेकर जाते हैं लंच बॉक्स में? फ्रेंच फ्राइज़ लेके जाते हैं, वहाँ से हम पेस्ट्रीज ले लेते हैं, पिज़्ज़ा ले लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं। किसी ने भी ये नहीं कहा होगा कि मैं घर की बनी हुई रोटी लेकर जाता हूँ या जाती हूँ या मैं वो खाता हूँ। इसलिए आज मुझे माओं से बहुत ज़्यादा शिकवे गिले हैं, जो कि मैं साथ साथ करूँगी और आप लोगों को गाइड भी करूँगी। हमारे साथ हमारे स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, हमें वो आगाह करेंगी। लेकिन आप आज हमारे इस प्रोग्राम में जो सुनने वाले हैं, क्योंकि बच्चों की जब बात करते हैं बहुत सीरियस इशू है, तो आपके माइंड में कोई सवाल हो बच्चे की जो सेहत के हवाले से, उसके फूड के हवाले से, तो आप लोग जो हैं हमें लाइव कॉल कीजिए, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, उसका हल जो है हमारे जॉल के स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं, वो आपको बताएंगे। कुछ मज़ीद जानना चाहते हो तो यकीनन लाइव कॉल कीजिएगा, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। हमारे आज के स्पेशलिस्ट जो हमारे साथ मौजूद है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं जी, डॉक्टर जुनेद जहांगीर अब्बासी साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बहुत शुक्रिया वक्त देने का, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ डॉक्टर साहब। बच्चों की जब बात करते हैं ना, इतना लंबा इंट्रो देने का मकसद ये था कि वह सारी चीज़ें जो इस वक्त माशरे में हमें देखने को मिलती है, जो हो रही हैं, इवन हर घर की ये कहानी है। ये हम ये नहीं कह सकते कि ये तो डॉक्टर साहब के घर की कहानी है, मेरे घर की नहीं है। मेरे घर की भी ये कहानी है, और मैं अक्सर अपनी अम्मा से जो है वो लड़ती रहती हूँ कि भाभी बच्चों का ख्याल नहीं रख पाती, उस तरह उनको उनके डाइट का ख्याल नहीं रखती है। तो ये घर घर की कहानी ये कब तक चलेगी ये बच्चों के मामले में? देखिए, जब तक हमारे मुआशरे में गलत प्रैक्टिसेस हैं, मिथ्स हैं, टैबूज हैं, जब तक हम गौर व फिक्र नहीं करेंगे, खुद स्टडी नहीं करेंगे, फैक्ट्स को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, और आप जैसे जबरदस्त लोगों के प्रोग्राम नहीं सुनेंगे जो अवेयरनेस दे रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बच्चों को संभालना। तब तक जो है हम गलत प्रैक्टिसेस का शिकार रहेंगे, नुकसान उठाते रहेंगे। यही बात, जब हम फैक्ट्स और फिगर्स को देख के चलेंगे। देखिए, कुरान में भी अल्लाह ताला कहता है कि आप गौर और फिक्र करें। yes. तो ये आज आपका प्रोग्राम क्या है? ये गौर और फिक्र, ये अवेयरनेस है, ये रहनुमाई है। yes. जब तक ये नहीं हम देंगे लोगों को, और लोग भी इसको इंटरेस्ट से नहीं सुनेंगे, तब तक नुकसान उठाते रहेंगे। बिल्कुल, हमारे ये जो सवाल है आने वाली जनरेशन का है, एग्जिस्टिंग जनरेशन का है, अगर हमारे बच्चे अंडर नरिश्ड होंगे, मैल नरिश्ड होंगे, या वाइस वर्सा बहुत ओबीज होंगे, तो वो कल को अपनी जो भी उनकी फील्ड है उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। यही बात है। और देखें तो आने वाला वक्त तो बड़ा टफ हो सकता है। हमने तो जैसे तैसे हर मौसम में खुद को गुजारा कर लिया, अपनी हमने जिंदगी गुजार ली और गुजर रही है, गुजर जाएगी। लेकिन जो आने वाला बच्चा है, या इस वक्त जब बच्चों की बात करते हैं, वो बहुत मम्मी डैडी है, बहुत बर्गर बच्चे हैं, वो इन मुश्किलात को नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं अक्सर मेरे पास जब क्लिनिक में, हॉस्पिटल में जब पेशेंट्स आते हैं, तो बिलीव मी बहुत सारे पेशेंट्स को इसलिए आना पड़ता है कि उनको अवेयरनेस नहीं होती कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इस पे हम आगे चल के बात करते हैं, क्योंकि बड़ी चीजें हैं बच्चों की जब बात कर रहे हैं ना, उनके खाना पीना, सोना जागना चलना फिरना, हर एक्टिविटी के मामले में आज हम बात करने वाले हैं। ब्रेक की जानी पड़ना है, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह इन डिटेल आज अपने मेहमान से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा हमारे साथ।
बैक नाज़रीन, आज जो हमारा पहला सेगमेंट जिसका हमने आगाज़ किया है वो हमने किया है हमारे नन्हे मुन्ने चुन्ने शरारती बच्चों के हवाले से, जो बहुत ज़्यादा शैतान बहुत शरारतें करते हैं, लेकिन उनकी सेहत का हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आप भी ये सोच रहे होंगे स्पेशली बच्चे कि आज जो मैविश है ये हमारे खुराक के दुश्मन बने बैठी है, हमारे खाने पीने चीज़ों के पीछे लग गई है। भाई बच्चों, आपकी सेहत का सवाल है, आपकी सेहत अच्छी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप एक्टिव रहें। ये जो हम जिस्मानी नशोनुमा की बात करें, ये आपकी भलाई के लिए आज हमने ये प्रोग्राम रखा है कि बड़ों के लिए तो हम बड़ी बातें करते हैं, हम जो मर्द हजरात हैं उनकी सेहत की, उनके फैशन के हवाले से, आपकी जो माएँ हैं, आपकी जो बहनें हैं, जो ख़वातीन हैं उनके हवाले से हम बड़ी बात करते हैं, लेकिन आप नन्हे मुन्ने बच्चों को हम भला कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो जो आपकी सेहत है वो हमारी अव्वलीन तरजीह है, इसलिए आज हम आपकी सेहत के हवाले से बात करें तो आप लोग प्रोग्राम को लाजमी देखिएगा। अगर आप प्रोग्राम में कॉल करना चाहते हो तो भी कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जी डॉक्टर साहब, आप अपने क्लिनिक की बात कर रहे थे कि आपके पास काफ़ी पेरेंट्स आते हैं, खासकर वो जिन्हें सही और गलत का पता नहीं होता, और जब बच्चों की हम सेहत की बात करते हैं वाकई इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है, शुरू से ही गलत प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। जैसे बहुत सारे माएँ जो हैं वो अपना फीड नहीं कराती, दूसरा हाँ। शुरू कर देती हैं। अच्छा, ये बड़ा वहाँ से ही नुकसान शुरू हो जाता है बच्चे का। उसके बाद फिर उनको ये नहीं पता होता कि हमने किस एज पे वीनिंग स्टार्ट करनी है, यानी सॉलिड फूड्स कब इंट्रोड्यूस करने हैं। फिर कुछ माएँ समझती रहती हैं कि बच्चे को बस दूध ही चाहिए, बस दूध ही देते रहो, दूध ही बस, बस जब भी बच्चे ने रोना शुरू किया दूध पिला दो, दूध पिला दो। और कुछ माएँ जो हैं वो बहुत ओवरफीड करा रही होती है, तो बच्चा वो उसको हजम नहीं कर पा रहा होता, वॉमिट्स करते रहते हैं, छोटे बच्चे दूध निकालते रहते हैं, वॉमिट्स करते रहते हैं। मैंने अब ये वही बात आ गई ना डॉक्टर साहब, एक्सपीरियंस नहीं है आपको, सही गलत का पता नहीं है। मैंने कुछ खवातीन से सुना कि अच्छा जब बच्चे को फीड करवाते हैं, जब वो दूध पी रहा है, अगर वो वॉमिट कर रहा है यानी कि दूध वो निकाल रहा है, वो उसकी सेहत अच्छी हो रही है। मतलब ये कॉन्सेप्ट चेक करें ना कि ये वही बात, अवेयरनेस नहीं है एक्चुअली। वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ओवरफीड हो रहा होता है। एग्जैक्टली। और समटाइम्स इसको कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स, कि वो हजम नहीं कर पा रहा था तो उसको वो वापस थ्रो कर रहा होता है। अच्छा, हाजमे का थोड़ा प्रॉब्लम। भाई बहनों, ये आप सुन लो कि ये कोई सेहत वाली बात नहीं बल्कि ये एक फिक्र की बात है। मतलब उसको अपने फिगर आउट करना है कि व्हाट इज एक्चुअली रॉन्ग विद द चाइल्ड। बच्चों में हमेशा ये बात याद रखनी है कि बच्चों में, क्योंकि बड़ा आदमी होता है वो तो खुद बताता है, आधा आधा काम बता देता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये सिम्टम्स हैं। exactly. तो डॉक्टर का काम आधा रह जाता है, कि वो लेकिन बाकी बच्चा को बताता कुछ नहीं है। सो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट का काम ये होता है कि वो एग्जैक्टली फाइंड आउट करे कि व्हाट इज एक्चुअली रॉन्ग विद द चाइल्ड। बिलीव मी, इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज एक्चुअली रॉन्ग विद द चाइल्ड, तो ऐसे उसके मसले ठीक हो जाते हैं। अच्छा, अगर आपके बच्चे का प्रॉब्लम नहीं ठीक हो रहा तो दैट मींस कि उसको एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं किया गया कि उसका क्या प्रॉब्लम, क्या इशू है। अच्छा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पेरेंट्स को पता ही नहीं होती, खुसूसन वो लोग जो पहली दफ़ा पेरेंट्स बनते हैं। मैंने इसलिए स्टार्ट में कहा ना कि पहले तो अगर आपको नहीं पता, आपको आइडिया नहीं है, तो बच्चा प्लान मत करें, पहले आप कंप्लीट अवेयरनेस हासिल करें, उसके बाद फिर आगे जो है वो बच्चों की जाने बढ़े ताकि आप बच्चे को संभालने के काबिल हो सके। जी, मैंने आपको एक सुनाता हूँ। एक दफा एक यंग कपल आया, उनका पहला बच्चा। अच्छा, था अच्छा। तो उन्होंने बेबी मेरे सामने रखा, तो मैंने उसको बाकी सारा देखा। फिर मैंने मदर से कहा कि आप इसका पैंपर खोलें कि उधर भी देख लूं जरा, कोई रैश वगैरह ना हो, कोई और उसकी प्रॉब्लम ना। तो मदर ने के पीछे उसकी मदर खड़ी थी, यानी कि बच्चे की नानी खड़ी थी। अच्छा, तो उसने कहा मामा पैंपर खोलें इसका। मैंने कहा मामा क्यों, मामा आप क्यों वो मामा क्या मामा नहीं, डॉक्टर साहब मुझे डर लगता है, मैं नहीं खोल सकती इसका। इस हद तक जो है वो यंग जो देखे माँ माँ से जितना वो बच्चे का केयर कर सकती है, इतना शायद नानी दादी उस तरह से ना कर सकते। हाँ। क्योंकि आपकी एक अटैचमेंट होती है ना अपने बच्चे के साथ। हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हम प्रॉपर बच्चे का उसकी डाइट का ख्याल नहीं रख पा रहे और बचपन से ये हैबिट क्रिएट नहीं करते, वही बात ना कि हम उसको इतना पैम्पर्ड रखते हैं या ओवर ईटिंग करवाना शुरू कर देते हैं या बहुत कम, या जिस तरह उसकी बॉडी को एक खुराक चाहिए होती है बच्चे की वो हम नहीं प्रोवाइड करते। ये जो मैंने इंट्रो में भी कहा कि आजकल बच्चों की हाइट का वेट का बड़ा इशू बन रहा है, क्या इसका भी वही डाइट के साथ ताल्लुक है? देखिए, इसमें तीन तरह के कॉजेज हैं। एक होता है कि
कोई ऐसी डिजीज है जो अंडरलाइन चल रही है, पता ही नहीं है और बच्चा वेट गेन नहीं कर रहा। अच्छा, जैसे कोई अंडरलाइन हार्ट डिजीज चल रही है, अंडरलाइन कोई किडनी डिजीज चल रही है, अंडरलाइन कोई सीलिक डिजीज चल रही है, बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जो बाजाहिर साइन सिम्टम्स नहीं शो कर रही होती बट साइलेंटली अंदर चल रही होती है। दैट इज द रीजन जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ वेल बेबी चेकअप्स होते हैं, यानी कि अगर आपके बच्चे को कोई सिम्टम नहीं भी है तो आप 3 मंथ्स के बाद या 6 मंथ्स या अगर ये भी नहीं हो सकता साल में एक दफा, साल में एक दफा वो लोग जरूर एक रूटीन चेकअप कराते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं, खुद ही टोटके अप्लाई कर रहे होते हैं, बच्चे के पेट में दर्द हुआ तो खुद ही कुछ ना कोई वो घुटी वुटी पिलाना शुरू करते हैं, पहले खुद ट्राई करते हैं, फिर नानी कुछ बताती है, दादी, फिर फूफी, फिर पड़ोसन, वो पूरे मोहल्ले के तजुर्बात बच्चे पे अप्लाई करके, हकीम साहब, फिर दम वाले और फिर कोई जड़ी बूटी, और जब वो सही बिगड़ जाता है तो आप कहते हैं अब जरा डॉक्टर साहब के पास ले जाते हैं। बिलीव मी, दैट्स व्हाट एक्चुअली हैपनिंग। वो बच्चा है, कोई मशीन नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके ऊपर, ऐसे ही है। और मैं अक्सर लोग सेल्फ मेडिकेशन करके मेरे पास आ रहे होते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप मेरे पास आए हैं, अभी आप मेरे इधर बैठे हैं मेरे ऑफिस में, जब तक मैं आपके बच्चे को प्रॉपर देख नहीं लूंगा मुझे भी नहीं समझ आएगी कि इसको क्या है, क्या तो अगर मुझे चाइल्ड स्पेशलिस्ट सारी जिंदगी मैंने बच्चों ही के बारे में पढ़ा है और वर्क किया है और एक्सपीरियंस है, अगर मुझे नहीं पता लगेगा तो आपको कैसे पता लग सकता है कि इसको क्या है। तो आप बगैर देखे, बगैर समझे, बगैर पढ़े, बगैर एक्सपीरियंस के कैसे आपने खुद से डायग्नोज कर लिया और खुद से दवाई भी दे दी। माय गॉड, यही बात है ना कि मतलब बच्चे ने अगर रोना शुरू किया है वो दूध पीने से या खाना खाने से खामोश नहीं हो रहा तो कहेंगे इसके पेट में कहीं दर्द हो रहा है, तो वो अपने ही टोटके अप्लाई करना शुरू कर दें। एग्जैक्टली। और उसके बाद जो आपने सवाल पूछा कि और बाकी रीजंस जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वेट के हवाले से वो हम बात करते हैं, ब्रेक की जाने बढ़ने, ब्रेक के बाद इस पे हम बात करते हैं कि ये बच्चों के या जो हाइट नहीं बढ़ी या ओवरवेट हो रहा है या उनका वेट उनकी एज के मुताबिक नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा इशू, इस पे बात करेंगे लेकिन शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बच्चों तैयार हो जाओ, होशियार हो जाओ, आपकी सेहत के बारे से हम बात करें। अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि आपकी हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए हमने आपका जो डाइट प्लान है वो बदलना है, और साथ साथ जो आपकी मामा आपका ख्याल नहीं रखती उस पर हम बात करें कि कैसे वालदैन अपने प्यारे प्यारे बच्चों का ख्याल रखें, इनकी सेहत का ख्याल रखें ताकि ये खेले कूदे, हंसे मुस्कुराए और एक एक्टिव ज़िंदगी जो है वो बसर करें। तो बच्चों आपने पूरा प्रोग्राम देखना है, मम्मा को साथ बिठा के आपने पूरा प्रोग्राम दिखाना है। इसके साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम में कॉल करना चाहते हो, डॉक्टर अंकल से कुछ पूछना चाहते हो तो लाइव कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जी डॉक्टर साहब, हमने बात की थी उन बच्चों की, क्योंकि जिस्मानी नशोनुमा की हम बात कर रहे हैं कि वो बच्चे जो उम्र के साथ साथ उनकी या तो हाइट नहीं बढ़ रही या उनका वेट बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, इसकी वजह क्या है? देखें, इसकी एक तो जेनेटिक रीजंस होती हैं समटाइम्स, कि फर्ज करें अगर पेरेंट्स की हाइट शॉर्ट है तो बच्चों की हाइट भी शॉर्ट होती है, अगर पेरेंट्स की हाइट टॉल है तो बच्चों की भी है। ऐसे केसेस तो बहुत माइनर से बहुत कम होते हैं। दिस इज वन रीजन, देयर आर अदर रीजंस एज़ वेल, मैं उस पे आ रहा हूं जी। उसके बाद न्यूट्रिशन, अगर फर्ज करें बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिली, देखें एक पौधा है उसे बड़े होने के लिए अच्छी खाद की जरूरत है, मिट्टी की जरूरत है, हवा की जरूरत है, पानी की जरूरत है, 5-6 चीजें अगर पौधे को मिलेंगी तो दरख्त बनेगा। इसी तरह बच्चे को कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिंस, मिनरल्स, क्योंकि उसकी वो नशोनुमा का वक्त है ना, उसको सारी चीजें चाहिए। बच्चा बहुत, खासकर छोटा बच्चा, बहुत रैपिडली ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है। तो अब हमारी एज में तो ग्रोथ नहीं हो रही लेकिन बच्चों की तो डेली बेसिस पे ग्रोथ है, डेली बेसिस पे, यस, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इस बात को आगे बढ़ाते हैं, इसी टॉपिक के हवाले से हमारी टीम ने एक मोंटाज तैयार किया है, वो पैकेज देखते हैं, फिर उसके हवाले से हम मजीद डिस्कशन करेंगे। प्ले कीजिए प्लीज।
वेलकम बैक नाज़रीन। ये वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको जिनकी ये उम्र जो है वो खेलने कूदने की, शरारतें करने की, मस्तियाँ करने की होती है। लेकिन ये आपने जब मोन्टाज देखा, मुझे वो मेरा बचपना याद आ रहा था जब हम गुड़िया के साथ खेलते थे, उनकी शादी किया करते थे, उनके छोटे छोटे कपड़े बनाया करते थे और ऐसे खिलौने पास होते थे कि हम उसमें खाना बनाया करते थे। फिर हमारी जो फ्रेंड्स थी हम उनको इन्वाइट करते थे कि मेरी गुड़िया की शादी है, आप लाजमी आना है। डॉक्टर साहब, आजकल ऐसे खेल कहाँ गए जी? बस हमने स्क्रीन पे बच्चों को बिठा दिया है। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। बिलीव मी, मेरे पास पेरेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा 3 साल का हो गया, अभी तक उसने बोलना नहीं शुरू किया। और हमारा बच्चा इतना रिस्पॉन्स नहीं देता, हम उसे आवाज देते हैं वो अपनी दुनिया में रहता है। यस। फिर जब मैं बच्चे को देखता हूँ, मुझे बच्चा तो बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन जब मैं हिस्ट्री लेता हूँ तो मुझे पता लगता है कि उसका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। उससे कोई बात करने वाला है ही नहीं ना। Yes. तो कैसे बोलना शुरू करेगा? तो ये जो मुसलसल स्क्रीन टाइम है उससे बच्चे की बोलने की सलाहियत कम हुई है, बच्चे की सोशल इंटरेक्शन कम हुआ है, बच्चा रिस्पॉन्स नहीं देता। हाँ। बच्चा आइसोलेटेड रहता है, लोगों में घुलता मिलता नहीं है, उसकी कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है, वो ग्रूम नहीं कर रहा। ये एक एक्सपेक्ट है। दूसरा, समटाइम्स मेरे पास पेरेंट्स बच्चा लाते हैं, डॉक्टर साहब इसको देखें, हमें ना इसकी आंखें थोड़ी टेढ़ी लग रही हैं। अच्छा। और उसको कहते हैं स्क्विंट। अच्छा। भेंगापन। हाँ। तो जब मैं देखता हूँ वाकई भेंगापन होता है। हाँ। और जब मैं रीजंस देखता हूँ, मुझे और कोई रीजन नहीं मिलता। हाँ। जब मैं हिस्ट्री लेता हूँ तो पता लगता है उसका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। माय गॉड। और आजकल ये बहुत कॉमन है। तीसरा सिनेरियो, पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, डॉक्टर साहब बच्चे को देखें, बच्चा हमारी बात नहीं सुनता। अच्छा। बच्चा बहुत जज्बाती है। हाँ। बच्चा तोड़फोड़ करता है, बच्चा गुस्से का जिद्दी है, हमारा बच्चा बहुत जिद्दी है। हाँ। इसको मनपसंद चीज चाहिए। हाँ। जब मैं उसको चेक करता हूँ फिजिकली वो ठीक होता है, लेकिन हाँ। जब मैं हिस्ट्री लेता हूँ हाँ। तो पता लगता है उसका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। अब हो गया रहा है, यानी ये मेरे घर में भतीजा है उसके साथ भी फिर यही मसला होगा, क्योंकि वो एक चीज अगर उसने उसको ये पेन चाहिए ना और उसको ये पेन नहीं दिया तो वो उसके हाथ में जो आएगा ना वो या तो उसको तोड़ देगा या वो इतना शोर इतना चलाएगा कि मुझे ये पेन चाहिए। मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। जब हम छोटे होते थे हम कभी पेरेंट्स को ये नहीं कहते थे कि हम बोर हो रहे हैं। आजकल आपको सुनने में आता होगा बच्चे आपको कहेंगे बाबा मैं बोर हो रहा हूँ, मामा मैं बोर हो रहा। अच्छा, हम अपने लिए ना खुद एक्टिविटीज क्रिएट कर लेते थे। Yes. वो जैसे मैंने बात की ना, हम वो गुड़िया का खेल या इस तरह की दीगर एक्टिविटीज में खुद को हम रखते थे वो बिजी। हो ये रहा है कि स्क्रीन जो है जिसमें आइदर वो कार्टून है या कोई गेम है। हाँ। वो लाइफ बहुत फास्ट है। Yes. उसमें बच्चा बटन दबाता है दुरुस्त, ये बटन दबाता है मर गया, ये बटन दबाता है जंप लग गई, ये बटन दबाता है खेल ओवर हो गया, पॉइंट्स मिल गए। सो दैट्स अ फास्ट लाइफ। बच्चा फिर क्या करता है, उसमें एक्साइटमेंट है, उसमें एंटरटेनमेंट है, बच्चा उसमें मगन है और एक बटन दबाने से काम हो रहा है, फास्ट लाइफ है। जब हम 3 साल के थे तो हमें कितना ये यूट्यूब का पता होगा, बिल्कुल नहीं पता। जब वो वही बच्चा जब वो गेम ओवर होती है वो अपनी एक्चुअल लाइफ में वापस आता है तो देखते हैं लाइफ बहुत स्लो है। स्लो है, अच्छा, ठीक है, एकदम बटन दबाने से काम नहीं हो रहा, वो जो मांग रहा है वो एकदम पूरा नहीं हो रहा, एंटरटेनमेंट नहीं है, उसको मजा नहीं आ रहा। सो वो बच्चा फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है, फिर वो गुस्से का इजहार करेगा, गुस्से का इजहार करता है, वो उसको एक्चुअल लाइफ भी उतनी ही फास्ट चाहिए और वो चाहता है कि मैं जो कहूँ बस वो हो जाए, बटन दबाऊं तो काम हो जाए, मैं जो मांग रहा हूँ वो फौरन से मिल जाए। ये सब रिजल्ट है स्क्रीन के। इसके अलावा भी बहुत है, इसके अलावा टाइम शॉर्ट है, मैं चाहती हूँ आप जरूर हमारे नाज़रीन को बताएं कि इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से बच्चों के जिस्मानी नशोनुमा पे बड़ा असर पड़ रहा है। अच्छा, देखें हमारे बचपन में क्या होता था, हम क्रिकेट खेला करते थे। यस। फुटबॉल खेला करते। हाँ, बिल्कुल। और अगर ये ना होता तो वो पकड़न पकड़ाई खेलते थे। हाँ। पिट्ठू ग्राम खेलते थे। बहुत सारी गेम्स थी, फिजिकल गेम्स, फिजिकल एक्टिविटीज बहुत एंजॉय करते थे। अब वो फिजिकल गेम्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब बच्चे के हाथ में या फोन है। हाँ। या टैबलेट है, बिल्कुल, या वो टीवी है और इसे वो चार दीवारी में कैद हो गया है। ऐसे ही है उसकी वही छोटे से बच्चे को भी पता है कि यूट्यूब कहाँ से खुलती है। आपको वही बता रही हूँ ना, 3 साल में हमें आपको या मुझे कितना पता था कि ये यूट्यूब पे ये चीजें हैं और यूट्यूब को इस तरह से यूज करना है। मुझे तो जो मोबाइल का सही वो इस्तेमाल है वो मैट्रिक के बाद आया, इससे पहले तो मुझे मोबाइल नहीं सही चलाना आता था, यानी कि वालिदैन ने हमें फोन नहीं दिया था। सो ये सब चीजें बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे असर डाल रही हैं। देखिए, 3 माह का बच्चा होता है वो स्माइल देता है, 6 माह का बच्चा जो है वो बैठना शुरू करता है विद सपोर्ट, 8 माह का वो विदाउट सपोर्ट, 1 साल का बच्चा होता है वो खड़ा होना शुरू हो जाता है,
15 माह पे चलना शुरू हो जाता है. देयर आर डिफरेंट माइलस्टोन्स, एग्जैक्टली ग्रॉस मोटर माइलस्टोन्स हैं, सोशल माइलस्टोन्स हैं, बिल्कुल डिफरेंट स्टेजेस हैं जो हमें जिस पे ध्यान रखना चाहिए. इस पे डॉक्टर साहब इस पे बात करते ब्रेक का कहा जा रहा है. ब्रेक के बाद इंशाल्लाह इन डिटेल आपसे जानते हैं. नाज़रीन साथ रहिएगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद. नाज़रीन सत्रम एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद. आज जो हमारा पहला सेगमेंट आप सब जानते हैं प्यारे से बच्चों के लिए हमने रखा है, क्योंकि उनकी सेहत का जो है वो हम ख्याल रख सकें और बर वक्त चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनकी जो जिस्मानी नशोनुमा है उस पर फोकस करते हुए उनको हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो दी जा सके. तो आपको पता है सच टीवी इन चीज़ों से अपनी जो जिम्मेदारियों को समझते हुए कभी भी पीछे नहीं हटता. तो इसलिए इन प्यारे से बच्चों के लिए आज का प्रोग्राम यानी कि फर्स्ट सेगमेंट हमने रखा है. अगला जो हमारा सेगमेंट होगा यानी कि आफ्टर 11 o'clock वो हमारे बड़ों के लिए और उनकी खूबसूरती पे जो है वो हम बात करेंगे. वेलकम टू द पॉइंट. बच्चों के हवाले से हम बात करें. डॉक्टर जुनैद जानी रवासी साहब माइलस्टोन के हवाले से आप बात कर रहे थे, उसके कैसे पता चलेगा कि वो डिले हो रहे हैं और किस तरह से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जी अगेन मैंने जैसे आपसे कहा कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ वेल बेबी चेकअप्स होते हैं. जैसे बच्चा पैदा हुआ 3 माह बाद एक दफ़ा लेके डॉक्टर साहब एक दफ़ा इसको देख लें, इज एवरीथिंग गोइंग नॉर्मल. फिर चले 3 माह बाद नहीं तो 6 माह बाद दिखा दिया कि 6 माह का हो गया हमारा बच्चा, अभी तक इसका एक वेल चेकअप नहीं हुआ, एक जनरल चेकअप कर लें कि इज ही ग्रोइंग वेल, क्या इसके माइलस्टोन्स जो 6 माह पे होने चाहिए वो ठीक है. अगर 6 माह पे याद नहीं रहा तो साल पे दिखा लें कि जी डॉक्टर साहब 1 साल का हो गया, देखें कि क्या जो एक नॉर्मल बच्चे को 1 साल पे जो जो करना चाहिए, इसका विजन, इसकी जो सुनने की सलाहियत है, इसका एक आई कॉन्टैक्ट, इसकी एक रिस्पॉन्स, इसका बैठना, इसका खड़े होना, इसका टांगों पे वजन डालना, इसकी बोन्स, इज एवरीथिंग गोइंग वेल. क्योंकि ये साल से छोटे बच्चे तो इतने छोटे होते हैं कि आम बंदे को तो समझ ही नहीं आती. बहुत दफा हमारे पास इसलिए नुकसान हो जाता है कि डायग्नोसिस लेट होती है. अच्छा, जैसे रिकेट्स है, बोन्स की बीमारी, अंदर अंदर बोन्स वीक होती हैं, पेरेंट्स को तो नहीं समझ लगेगी, जाहिर बात है. इसी तरह नेक बच्चा अगर सही तरह होल्ड नहीं कर रहा. अच्छा, इसमें ये भी तो इशू है ना कि जब वो छोटा बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी है, तो वो उनको प्रॉपर किस तरह से कैरी करना है वो भी तो नहीं आता. एकदम बच्चे की गर्दन को झटका लगता है, उसके तो इशू आते हैं. वो दैट इज अनदर एस्पेक्ट. मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कि अगर डेवलपमेंट डिले हो गई है, यानी नॉर्मली 3 माह पे बच्चे नेक बिल्कुल होल्ड करना शुरू करते हैं, लेकिन अगर वो होल्ड नहीं करता, बच्चे को बैठाते हैं और उसकी गर्दन नीचे झुक जाती है, सो दैट मींस कि नेक होल्डिंग डिलेड. देर मस्ट बी अ रीजन फॉर डिलेड नेक होल्डिंग. 6 माह पे बच्चे को बैठना चाहिए. अगर 6 माह का बच्चा बैठ नहीं रहा, वो गिर जाता है, तो देर मस्ट बी सम रीजन कि वो क्यों नहीं बैठ रहा. ठीक है, इसी तरह एक बच्चे को अगर आप आवाज देते हैं, वो एकदम आपकी तरफ टर्न करके ऐसे आई कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो देर मस्ट बी सम रीजन वो नहीं दे रहा उस आवाज. सो ये है माइल स्टोन, दीज आर कॉल्ड नॉर्मल माइल स्टोन. तो एक तो सब पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि नॉर्मल माइल स्टोन क्या है, क्या है एग्जैक्टली, और अगर डिलेड है तो क्यों डिलेड है. थायराइड का प्रॉब्लम है, कोई ब्रेन का प्रॉब्लम है, कोई बोन्स का प्रॉब्लम है, कोई इंटेलेक्ट का प्रॉब्लम है, कोई ऐसी अंडरलाइंग डिजीज है, एनीमिया है, कोई चीज है जो मिस हो गई है, पकड़ी नहीं गई. क्योंकि अगर आप उसको इग्नोर करेंगे या खुद से अज्यूम करेंगे, बिलीव मी हमारे यहाँ बहुत सारे नुकसानात इसलिए होते हैं कि हम रॉन्ग अजम्पशंस कर लेते हैं. ये तो हमारे अंदर बहुत है कि हम खुद से जो है ना वो अज्यूम कर लेते हैं ये चीज हो सकती है. किसी फूफी ने कह दिया, चाची ने कह दिया, पड़ोसन ने कह दिया, तो ये ऐसा होगा. क्योंकि हम कहते हैं उनके तो भाई जिंदगी के तजुर्बात हैं, वो भला गलत हो सकते हैं? उन्होंने इतने बच्चे पैदा किए, उनकी तरबियत की है. बहुत सारी बड़ी खवातीन कहती हैं
हमने तो 5-5 बच्चे पैदा करके बड़े करके शादियां कर दी उनकी, हमसे पूछो, हमसे पूछो। यस, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरी एज है 37। मैं सारी जिंदगी किताबें पढ़ता रहा हूँ और मेरी फील्ड है पीडियाट्रिक्स, मैंने उसमें स्पेशलाइज किया है, उसके बाद भी पढ़ता हूँ, अब पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ाता हूँ, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी पढ़ाता हूँ, उसके बावजूद बिलीव मी, जब तक मैं बच्चे को प्रॉपरली चेक ना करूं मुझे भी नहीं पता लगता इसको क्या है। डॉक्टर तो नहीं आपको पता कैसे, आप कैसे, आपको कैसे पता लगे बिना पढ़े, आपको कैसे पता एग्जैक्टली इन्हीं चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। अच्छा, बच्चे को हम उसकी प्रॉपर डाइट प्लान कैसे, स्पेशली जो माँ इस वक्त देख रही है उनको बताएं कि एक बच्चे की प्रॉपर डाइट प्लान क्या होनी चाहिए और उसको फिजिकल एक्टिविटीज में किस तरह लेकर आए, क्योंकि जिस्मानी नशोनुमा इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जी देखें, एक तो नेचर के करीब रहना है। जो आपने शुरू में बड़ी अच्छी आपने बात की थी कि हम लोग ना बहुत सारी आर्टिफिशियल चीजों के पीछे चले गए, ठीक है, खालिस गंदम खरीदें, बिल्कुल ठीक है, उसको यूज करें, हाँ। चीनी की जगह आप शक्कर यूज करें, का इस्तेमाल करें, यस। ऑयल अगर ऑलिव ऑयल अफोर्ड कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो सरसों का ऑयल यूज करें। अच्छा, उसके बहुत जबरदस्त उसके टेस्टी खाने बनते हैं क्योंकि हमने यूज किया हुआ। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज्यादा करें। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें भी एक चीज है, हमारे अक्सर माएं कहती है मेरा बच्चा तो सब्जियां पसंद नहीं करता, उसको तो फ्रूट पसंद नहीं है, उसको तो जूसेस नहीं पीता है, बाकी मशरूबात दे दे उसको, ये अदर जो कोल्ड ड्रिंक्स है, वो खा लेंगे बड़े, वो पी लेंगे। उसका हाल बताता हूं। हां देखिए, जब बच्चा पैदा हुआ है, हां, तो उसने सिर्फ दूध चखा है, यस, उसकी जुबान को सिर्फ दूध पसंद आया और टेस्ट हुआ, टेस्ट, हां। अब जब हम नई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं तो एकदम एक्सेप्ट नहीं करते टेस्ट बर्ड्स, आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट बर्ड्स एक्सेप्ट करते हैं। अब आज एक नया रूल गवर्नमेंट बना दे, एकदम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसे एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल। तो जब हम एक नई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये नहीं हो सकता कि एकदम एक्सेप्टेंस है, आहिस्ता आहिस्ता लोग एकदम ना मायूस हो जाते हैं, एकदम नहीं दिया, खाया नहीं, खाया दूसरे, ये तो खाता ही नहीं है, लेबल लग जाता है, ये तो खाते ही नहीं, इसको पसंद नहीं है। इफ यू कीप ऑन ट्राइंग अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन वन डे यस वो कहेगा मैं खा ही लेता हूं, ये बार बार मुझे दे दे। अब फीकी चाय, आज अगर मैं आपको फीकी चाय दूं पसंद नहीं आएगी, मैं रोजाना दूं, एक माह दूं, एक महीने बाद आप कहेंगे डॉक्टर साहब ले आए मैं पी लूं, मैं पी लेती हूं। एग्जैक्टली यही बात होगा। बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ किस तरह लेकर आया जाए? कसूर पेरेंट्स का, हमेशा की तरह कसूर पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, बिलीव मी, कसूर पेरेंट्स का। हम लोग इतने ज्यादा बिजी हो गए कमाने के चक्कर में और अपनी सोशल एक्टिविटीज, जो भी जिसकी जो एक्टिविटीज हैं, यही बात, आप अपनी एक्टिविटीज को रिड्यूस करें। अच्छा, उन अगर सोशल एक्टिविटीज को आप छोड़ दें, ये जो हमारे पास हथियार मोबाइल है ना, यही बहुत बड़ा दुश्मन बन चुका है हमारा, कि हम घर बच्चों के पास होते हुए हम नहीं है। हम कहते हैं कि हमारा बच्चा फोन बहुत यूज करता है, क्योंकि हम खुद फोन बहुत यूज करते हैं, क्योंकि हमारी खुद हरकतें वैसी। डॉक्टर साहब इस पे बात करते हैं, ब्रेक की जानी पड़ना है, ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं कि भाई अगर बच्चों की आदत को बदलना है तो पहले अपनी आदत को ठीक करो, इस पे बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं हमारे प्यारे से जो फूल हैं, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, उनकी सेहत के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं कि उनकी जिस्मानी नशोनुमा कितनी ज़रूरी है और इसको कैसे हम मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। वालदैन की खासकर मैं बात करूँगी जो इस वक्त बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, जैसे मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी कहा था कि मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा खफा होने वाली हूँ, क्योंकि बच्चों का ख्याल रखें, जो आप अपने उसमें इतना मसरूफ़ रहते हैं अपने कारोबार के अंदर, 9 to 5 जॉब के अंदर, अपने बिजनेसेस के अंदर, वो कमाई आप किस लिए कर रहे हैं? अगर जो आपके प्यारे से बच्चे, आपकी जो अल्लाह ने आपको जो एक रहमत से नवाजा है, जो आपके पास बच्चे हैं, अगर उनका आप ख्याल नहीं रख रहे तो आई थिंक आपकी उस कमाई का कुछ फ़ायदा नहीं है। सो
सबसे पहले जिस तरह हम बात करते हैं ना कि हमारे वालिदैन ने कितने खूबसूरत अंदाज में हमारी परवरिश की थी, हम किस तरह से जो है वो दीगर एक्टिविटीज़ में अपने लिए खुद ही क्रिएट कर लेते थे, उसमें वालिदैन हमारे लिए हमारी हेल्प नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी आदत उस तरह थी कि उनको फॉलो करते हुए अपने लिए फिज़िकल एक्टिविटीज़ या इंटरेस्टिंग हेल्दी एक्टिविटीज़ हम खुद जनरेट कर लेती थी। तो आज के वालिदैन को भी इस पे फोकस करने की अशद ज़रूरत है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जिस्मानी लिहाज से उसकी जो नशोनुमा है वो ज़बरदस्त तरीके से हो, तो खुदारा सबसे पहले ये जो हम अक्सर बात करें ना स्क्रीन टाइम की बात करें, उस स्क्रीन टाइम को आप लोग खुद कम करें, लिमिटेड करें, जिसकी ज़रूरत है जितनी ज़रूरत है उसको जो है वो अडॉप्ट करें। और इसके साथ साथ बच्चों की जो डाइट की बात आती है जो जिस्मानी नशोनुमा में इंतहाई आम है, तो सबसे पहले आपने बच्चों की डाइट पे फोकस करना है। आजकल के जो अनहेल्दी फूड पे हमने उन्हें आदि कर दिया, एक टेस्ट डेवलप कर दिया है कि उसके बगैर वो कुछ खाते नहीं है, तो इस टेस्ट को चेंज करना है आप लोगों ने। डॉक्टर साहब, कैसे हम ये जो अभी मैं बात कर रही थी कि माँ बाप खुद अपनी आदत बदलेंगे तो बच्चे जो है वो बदलेंगे, तो कैसे हम, क्योंकि हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा हेल्दी एक्टिविटीज़ करे, अच्छी आदत को अपनाए, लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा? देखें, अगर हम खुद एफर्ट करेंगे हाँ। तो होगा। फ़र्ज़ करें मैं नमाज नहीं पढ़ता हाँ। और मैं चाहूँ कि मेरा बेटा नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मुझे पहले ख़ुद नमाज़ पढ़नी होगी, फिर मेरा बेटा नमाज पढ़ेगा। अगर मैं रात सोने से पहले खुद यूट्यूब पे लगा रहा हूँ हाँ। और मैं चाहूँ कि मेरा बेटा यूट्यूब यूज ना करे, दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। सो मैंने देखा है कि पेरेंट्स खुद बहुत फोन यूज करते हैं तो बच्चे भी फोन मांगते हैं। अच्छा, बेशक तो बच्चे ऐसे हैं, उन्हें अगर खाना भी खाना है उनके सामने मोबाइल रखोगे तो वो खाना खाएंगे, उन्हें अगर सोना है तो उनको मोबाइल दोगे तो वो मोबाइल देखते देखते सो जाएंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, उसके बाद हमारे बच्चे झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम झूठ बोलते हैं। हर घर में ये हाँ। जरूर होता है कि किसी न किसी घर में बाप बेल बजी, बाप ने बेटे को कहा, उनसे कहो बाबा घर पे नहीं है। बाबा घर पे नहीं है, मतलब मैंने शुरू में कहा ना कि ये हर घर की कहानी है। बच्चा सीख ले। अच्छा, ऐसे भी होता है कि बाबा घर पे हूँ और वो कहें कि मैं घर पे नहीं, यानी कि झूठ का आगाज कर दिया। हाँ, हर घर में हम क्या करते हैं कि मोबाइल फोन या अपनी कोई रिंग या वॉच जो बच्चा झपटना चाहता है तो हम उसे ब्लैंकेट में छुपाते हैं और कहते हैं वो गई, उड़ गई, वो तो चिड़िया ले गई। अच्छा, एक दफा तो हो जाता है, दूसरी दफा हाँ। तीसरी दफा बच्चे को पता लगता है कहीं नहीं जाती, वो ब्लैंकेट के नीचे जाती है और मुझे कहा जाता है कि वो तो चिड़िया ले गई। तो उसे पता लगता है कि अच्छा, इस तरह चीट किया जाता है। माय गॉड, इस तरह आप किसी को चीटिंग का जो तरीका, सो हम अपने बच्चों को चीटिंग खुद सिखाते हैं, हम उनको झूठ खुद सिखाते हैं, हम मोबाइल एक्सेसिव यूज करना खुद सिखाते हैं, हम कमाई में लगे रहते हैं, उनके साथ क्रिकेट नहीं खेलते, फुटबॉल नहीं खेलते, तो वो फिजिकल एक्टिविटी के हाथ बच्चे की तरबियत दे देते हैं, मेड्स के हाथ दे देते हैं। यस, अगर एक वालदा स्काफ नहीं लेती हाँ। तो वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है कि उसकी जवान बेटी भी स्काफ ले ले? इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, छोटे बच्चों को हम कहते हैं, बच्चों की अगर मैं बात करूँ, हम उन्हें स्लीवलेस टॉप पहना देते हैं। अभी तो छोटी बच्ची है, जब बड़ी होगी तो वो अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रख लेगी। आप उसको, वो छोटी बच्ची की तो आदत डेवलप कर रहे हैं, तो बड़े होकर वो आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं कि वो बुरखे में रहेगी या एक अच्छा पाकिस्तानी जो कमीज सलवार है वो वेयर करेगी? पॉसिबल। सो ये सारी गलत प्रैक्टिसेस, गलत चीज़ें जो है ना, हम बचपन से ही बच्चों के माइंड में डाल देते हैं और उस गलत माहौल में जब वो परवरिश करते हैं तो फिर हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये ना हर काम सही करें, यानी हम खुद उनको बिगाड़ चुके होते उनकी सेहत को, उनकी आदत को, उनका सत्यानाश हम खुद कर चुके, अखलाक को, लेकिन बाद में हम तवक्को रखते हैं कि ये एक अच्छा इंसान बने। हम कहते हैं कि बस स्कूल जाए और अच्छा इंसान बन जाए, गाड़ी सबसे पढ़ ले और बस अच्छा इंसान बन। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तकरीबन 40 सेकंड्स है हमारे पास, हमने ब्रेक की जाने बढ़ने, हमारे नाज़रीन को, क्योंकि बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा के बारे में बहुत सारी डिस्कशन हुई और जब बच्चों की बात आते हैं फिर तो गुफ्तगु ख़त्म नहीं होती, क्या मैसेज देंगे? स्पेशली मैं कहूँगी कि जो माएँ हैं ना, उनको कोई पैगाम दें आप। मैं तमाम माओं को ये कहना चाहता हूँ कि हर एक, अगर लड़का है आपका बेटा है तो हमेशा अपने बाप को आइडियलाइज करेगा, अगर लड़की है तो वो हमेशा अपनी माँ को आइडियलाइज करेगा। माँ को, बिल्कुल। सो आप आइडियल बन जाएं अपने बच्चों के। यस, तो ये मुश्किलात वैसे ही हल हो जाएंगी। शॉर्ट और टू द पॉइंट मैसेज है। सेकंडली, जैसे महविश ने कहा कि ये बातें बहुत लंबी हैं, exactly. हम टाइम में नहीं कर सकते। हाँ।
सो अगर मजीद आपको अवेयरनेस चाहिए, ये लोग भी काम कर रहे हैं, बट मेरा भी अपना एक यूट्यूब चैनल है, उस पर भी अवेयरनेस मटीरियल मिलेगा, फेसबुक पेज है, फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारा अवेयरनेस मटीरियल मिलेगा, प्लीज पढ़ें, दुरुस्त पढ़ें, दुरुस्त सुने, थोड़ा पढ़ लें लेकिन अच्छा पढ़ लें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुनेद जहांगीर अब्बासी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, इतनी इंटरेस्टिंग गुफ्तगु रही। नाज़रीन ब्रेक के जाने पड़ना है, ब्रेक के बाद कुछ और मौजूद मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, जैसे मैंने कहा था कि हम डिस्कशन करेंगे अगले सेगमेंट में आपकी खूबसूरती के ऊपर, लेकिन वो इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।